हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोलिन किचन। आज मैं लेके आई हूँ आम की लौजी की रेसिपी, जिसे हम खट्टी मीठी चटनी, खटमिठिया, सिरका, मुरब्बा बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो आम लिया है। जैसा कि लॉकडाउन है और मार्केट में अच्छे आम नहीं आ रहे हैं, तो ऊपर से देख सकते हैं छिलका इसका कैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल फ्रेश आम है। अब हम सारे आम को अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर मैंने छील लिया है और इसके हम छोटे छोटे पीस कट करेंगे। तो इसमें गुठलियाँ अभी नहीं पड़ी हैं, लेकिन गुठलियों वाले आम के भी मुरब्बा बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जो इसमें बीज है उसको हम निकाल लेंगे और जैसे आपको पसंद हो लंबा छोटा वैसे करके कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ और ऐसे ही सारे आम को अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा कट कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ मैं तड़के में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच कलौजी जिसे हम मंगरेला भी बोलते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च। तो जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें हम आम को डाल देंगे और डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे। इसको ऐसे ही भून लेंगे बिना ढक्कन लगाए, तो ऐसे भूनने से इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 चिटकी। जैसा कि तीखा मीठा खट्टा इसका फ्लेवर देना है, तो इसमें नमक भी डालना ज़रूरी है। और इन सारे मसालों को डालने के बाद 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ गुड़ और चीनी। जितना मैं आम ली थी उसी के हिसाब से गुड़ और चीनी भी डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे खाली गुड़ डाल सकते हैं या चीनी में बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिक्स करके डालेंगे तो इसकी जेली की तरह फ्लेवर भी आएगा और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसको चला के ढक के 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, चीनी और गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसको अभी थोड़ा देर और पकाएंगे, जब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म है, तो उसमें मैं 1 चम्मच साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंफ ली हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद दरदरा हम पीस लेंगे। बहुत से लोग खाली जीरा पाउडर डालते हैं, लेकिन धनिया और सौंफ और जीरा तीनों मिक्स करके डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। इसको 10 से 15 दिन तक आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पकाते पकाते हमको 25 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे जो मैं मसाला पीसी थी दरदरा, उसको 2 छोटा चम्मच डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक और इसको पकने देंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक देखिए ऐसे ही खुले में ही मैंने ऐसे ही चलाते चलाते पका लिया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल ली हूँ। हमारा मुरब्बा बनके तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल जेली की तरह, बहुत ही टेस्टी, तीखा मीठा, चटपटा बना है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।